आप सांगवान फैमिली पे मेंबर बने और लाइव योगा पंगु पंगु दिख रही है बेटा, सॉरी मैंने आपकी वीडियो बना दी नहीं। हमें बहुत अच्छे लगते हैं। यू पजामो पे रियो जो ये पजाम यू रव्या हुज रव्या दैट। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। यहाँ पे मम्मी की अभी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, अभी गर्मा गर्म चाय पियेंगी, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तंदुरुस्त हो जाएंगी। और इसी के साथ जस्सू भी आ गया है। जैसे जस्सू को पता चला मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब है, अरुल की चाय मैं ऊपर दे आया हूँ और अब मेरी चाय विद गूंद खाने वाला हूँ। गर्मा गर्म चाय एंड गूंद रेडी। 11 बजे का टाइम है और ये लडुआ अभी सो रही है, रात को जगाती है, सुबह सो जाती है। मम्मी इसकी 2 दिन में खोज ढूंढेंगी। इसकी खोज ढूंढनी पड़ेगी। ओए, अब तो सुन रही है और मजे से सो रही है। रात को इसने तगड़ा हंगामा किया कल, लेकिन पता नहीं दादी आते ही ये शांत हो गई और सो गई। लेकिन दादी के आते आते इसने, दादी की भी तबीयत खराब है तो दादी सोची सर्दी ना लग जाए। और इतनी की थोड़ी सी कोल्ड है तो मम्मा वाज वरीड कि बेबी को ना हो जाए, बट एट द एंड दादी को आना पड़ा। तो दादी बोल रही थी मुझसे भी ज़्यादा जल्दी दादू की गोदी में सोती है, दादू इसे बिल्कुल रोने नहीं देते। तो आई वॉज लाइक ओके रात को दादू तो पर ये लाडली हो चुकी है दादू दादी की, इसको आदत पड़ गई है दादू और दादी की। तो तो एक्सटेंड करवानी पड़ेगी उनकी टिकट है ना, बढ़वानी पड़ेगी। नहीं तो उनको एक जल्दी से उनको बोलो कि अगर गोइंग देन कम बैक, फिर हम उनको वीजा भी लगवा ले जल्दी से ना, साथ ही भेज देते हैं इसको। मम्मी बेचारी है फिर साथ में। और कल रात को एक पंगा और हो गया। मैंने इतनी अच्छी एक वीडियो एडिट करके रेडी कर दी थी और मैंने फिर है ना जो एडिट करके उसको डाउनलोड करने से पहले ना उसके पीछे जो वीडियो क्लिप थी वो सारी डिलीट कर रहा था, और ऐसा हुआ कि वो परमानेंटली डिलीट हो गई। तो वो अपलोड होने से पहले उसने एरर दिखाया, फिर मैंने उसको ट्राई किया तो वो गयो, एक दिन गया बेटा आपका, गायब हो गया। तो अभी मैं जैसे ही नीचे आया था, मम्मी यहाँ पे बैठ के योगा कर रही हैं और आप अगर मेरे पीछे देख सकते हैं तो यहाँ पे लाइव सेशन चल रहा है, योगा का लाइव सेशन। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो आप सांगवान फैमिली पे मेंबर बने और लाइव योगा सेशन का लुत्फ उठाएं। रामदेव तो रहे, रामदेव भेजनी पड़ेगी, ये कि हमारे घर में सब करते हैं। तो अभी बेबी उठ गई है और देखो नंगू पंगू दिख रही है बेटा, सॉरी मैंने आपकी वीडियो बना दी नंगू पंगू, सॉरी। तो अभी मम्मी कर रही थी योगा, लेकिन जैसे ही मम्मी को बोला मम्मी बेबी को नहलाते हैं, भाज के आई है योगा छोड़ की, ये खुद की ना खुश होके ना खुश होके। जैसे अगर मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाऊं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी नहला रही है, पारुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही है ऊपर से, पारुल वहां से हल्का हल्का पानी डाल रही है। यहाँ पे मम्मी यही पे रूम पे ही नहला देते हैं हम। ये तब है गो पैरों पे बिठा के मम्मी ऐसे नहला देती है। इसको देखो अब रो नहीं रही, वैसे रोती है लेकिन जैसे ही इसको नहलाने लगो तो शी इज वेरी हैप्पी, हैप्पी बेबी। तो ये बेबी नहाली है यहाँ पे और तेल में कह रहा हूँ तौलिए में लिपट के मम्मी के लिपट गई है। अब ये थोड़ा चल लोएगी कि मुझे नलाओ और पानी डालो। तो इस बच्चे के नहाने के बाद है ना करली सचिन तेंदुलकर जैसे बाल हो जाते हैं, अगर आपको दिख रहे होंगे करली, और जैसे ये सूखेंगे सीधे हो जाएंगे पापा की तरह। तो अब नहा धोने के बाद ये कपड़े पहन रही है, मम्मी इसको कपड़े पहना रही है और इसके ये कपड़े आज पहनने वाली है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया तो था लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गई, सॉरी उसी में ही बताया था क्योंकि कल मैंने वीडियो एडिट की थी ना तो मेरे को याद है उसमें मैंने बताया था कि इसके कपड़े छोटे हो रहे हैं और अब ये पहनने वाली है ये। तो दादू को इसके पजामे बहुत अच्छे लगते हैं, ये पजामो पहन रही हो जो ये पजामो दादू का, हमने पजामे मेरे कौन सी क्लास में मिले थे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं दादू। तो इसके साथ इसको भी अच्छा लगता होगा। तो
तो आप लोगों ने किसी ने एक ने क्वेश्चन पूछा है कि आप इसकी नैपी के ऊपर एंड एवरीथिंग उसके ऊपर वीडियो बनाइए, कौन सी खरीदते हो, क्या करते हो, कितनी बार चेंज करते हो एंड एवरीथिंग। तो अभी तो हम इसकी 6 से 7 कभी कभी 10 नैपीज भी हो जाती है, पर हम लोग कोशिश करते हैं कि दिन में इसको 1 घंटा हम लोग नैपी फ्री रखें। तो हमारे पास ऐसी वाली शीट्स है जिसपे हम इसको लिटा के रखते हैं। कैसी वाली शीट दिखाई हो? हाँ ये अभी पहन ली ना, ये तो ऐसी शीट है, ये बड़ी आई थी, हमने इसके साइज की काट के इसको रख लिया है। तो ये ऐसी वाली शीट है जिसमें हम इसको लटा के रखते हैं, हम इसके ऊपर ढक देते हैं, मतलब क्योंकि अगर ये टॉयलेट वॉयलेट हाँ। भी करती है तो भी इसको हम फेंक सकते हैं, इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। और चादर वगैरह भी कुछ खराब नहीं होता क्योंकि इसी के अंदर सब कुछ सोख जाता है। तो वही है, हम इसको कोशिश करते हैं कि हम इसे थोड़ा सा फ्री टाइम दे, क्योंकि नैपी में तो बहुत ज्यादा ही कंजेस्टेड हो जाता है। तो अभी जो हम लोग पहले हम लोगों ने पैम्पर्स यूज करी थी, विच इज गुड, आप लोग यूज कर सकते हैं, पर अभी हम लोग टेस्को की यूज कर रहे हैं, कॉटन वाली है। एंड मैंने उससे काफी अच्छा देखा है कि इसको नैपी रैशेस नहीं हो रहे हैं। हाँ, इसमें ना चेंजेस आ गए आई बिलीव, क्योंकि कॉटन की है ये और ये ब्रीदेबल है, ये लाइट है। पैम्पर्स की हैवी होती है वो, आई थिंक मतलब है ना लॉन्ग टाइम के लिए चल सकती है, लेकिन वी प्रेफर की जल्दी जल्दी चेंज कर दें। तो ये प्योर कॉटन है तो इट्स गुड। हम कोकोनट ऑयल लगा रहे हैं, ये एक सूडो क्रीम करके आती है नैपी रैशेस की, नैपी रैशेस की काफी सारी क्रीम्स आती है, आप लोग यूज कर सकते हो। तो वी प्रेफर कोकोनट ऑयल, उसे एक दिन लगाया था हमने, उससे काफी असर हो गया था इस बच्चे को, और एक दिन में ही है ना, ये भी हाथ लगे बता रही है। यस, तो यहाँ पे ये जल्दी से रेडी हो रही है, रेडी होने के बाद ये जाने वाली है अपने दादू के पास। दादू वेट कर रहे हैं नीचे, दादू ने 2 बार बोल दिया उसको मेरे पास लेके आओ, मैं बोला उसको नहला देते हैं ताकि वो अच्छी अच्छी हो जाए, गुड गुड बेबी हो जाए, वो शो भी जाए, सारे काम कर ले। बिल्कुल ऐसे देख रही है मेरी तरफ, पूरा इसका कैमरा की तरफ है कि ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है, मेरी तरफ कैमरा करके मेरे को देख देख के सारी बातें कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं बता रहे। हम चले और दादू के पास चले रे, हम चले दादू के पास चले, लेट्स गो। दादू ने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे चाचू ने पिक कर ली। ये रॉयल नेवी की जर्सी पहन रहे है, मैं आर्मी वाली जर्सी पहन रहा हूँ, सेम कलर है बस। हमने भी पे करे हैं, न्यू ना मिले हैं। ये ट्रेनिंग में पे करके 50 पाउंड के ट्रैक सूट के पे किए थे। एक ये था, एक पजामा था, एक टी शर्ट थी और एक जैकेट थी, लेकिन मैंने क्या किया, जो जैकेट थी ना वो 40 पाउंड की किसी को बेच दी। यहाँ पे धुआं उठा दिया है मम्मी ने, तो माता कहते मम्मी रोज खाऊ हूँ मैं। हलवा जी, हलवा रेडी हो गया हलवा। तो जैसे ही मैं नहा धो के आया, इतनी देर में यहाँ पे मायरू एंड दादू एंड यहाँ पे अलीशा। अलीशा तेरा डांस बहुत अच्छा लगता है सबको, एक बार करके दिखा दे। यहाँ पे कौन डांस करेगा? मायरू अलीशा खुद की भी वो वीडियो देखने ला रहा हूँ, आ रहा है यो सही है, एक कहानी बुना है, एक कहानी देख। अली हुज दिस क्या कर रहे तू? चिड़ा चिड़ा हुआ है मायरू, देखा तो पेड़ होनी है दूर दूर। मेरा नचा मजाक बना रहा था वहां पर। हम कोई क्लब ना हो ये शिड़ा। तो कल से मोमोज रखे हुए हैं और फाइनली ये 5 बजे हुए। ओए, अपनी प्लेट रेडी है। मोमोज की प्लेट किसकी है? मोमोज की प्लेट। आजा मोमोज खा, तो मैं तो दूर आया हूँ, उसकी प्लेट देख के तो वीडियो देखते हैं जिन्होंने बनाए हैं। यहाँ पे रावी अपनी ताई जी के साथ नीचे घूम के आई है, इतनी देर उसकी मम्मी ने सांस ली होगी है। ओ, ये कौन सा बच्चा? रावी इतनी बड़ी कैसे हो गई? रावी इतनी बड़ी कब हो गई? ये तो बहुत बड़ी रावी हो गई है, तो गुड गर्ल हो गई है रावी। Are you रावी? Who's रावी then? Thank you.
बेबी सिस्टर। अभी ऐसा था कि ताईजी बच्चे को संभाल रही थी, मैं और पारुल आराम से लेटे हुए थे और मायरा हमारे पास थी, उसी के साथ एक और बच्चा आ गया यहाँ पे। तो अब आज हमने सोप कर लिया है कि तुम उसको सुला के दिखाओ, हम इन दोनों को बीच में सुला के दिखाएंगे। देख देख कौन जीतता है, ताई जीत रही है अभी। ताई जीतेगी 9-10 बजे तक, उसके बाद कोई जीतना है, उसके बाद जीतेगी राव्या सांगवान जीतेगी बस।